है तैतीस का पेड़ और ये है कदम का पेड़। भी दूर तक ये समझ लो इतने बीच कुछ ये पौधे हैं खजूर के जो कि हमारे खेत। वेलकम बैक टू दी फूड गाइस। इस ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे घर से और आज इस ब्लॉग का ये पर्पस है कि आज आपको दिखाएंगे कि मेरे गांव में जितने भी पेड़ हैं किस तरह के पेड़ हैं वो करेंगे एक्सप्लोर। फिलहाल अभी जा रहे हैं दुकान पर सुबह का लेते हैं तो भाई ब्रेकफास्ट तो आ गया है खाना नमकीन मॉप मैजिक बिस्कुट 10 रुपए नाश्ता है भाई। अब चलो पीते हैं अपनी चाय। अभी उम्मीद ठंडी कर दिया गैस पे गरम चलो फिलहाल हो रही है गरम पत्ता दूसरा काम कर लेते हैं भाई। तो खैर के बाद हम शाम को करेंगे जितने भी मेरे गांव में जितने भी पेड़ हैं उनको करेंगे एक्सप्लोर। तब तक ब्लॉग बने रहे। रितु भाई जा रहा है नहाने के लिए जो कि ये जा रहा है बाल्टी लेके तो करते हैं अपने गांव जो आप देख सकते हैं वो लॉरी वो तोड़ रहे हैं हेलमेट लग रही है आज तक आपने देखा नहीं। ये देखो किस तरह से ललौड़ी तोड़ी जा रही है। तो ये हमारे गांव के पर्सन है जो कि लैटरिंग तोड़ रहे हैं हेलमेट लगा के बाइक वाला जाने के अब बाइक से तोड़ रहे हैं नई तकनीकी। आपको फिलहाल दिखाते हैं मेरे गांव के किस तरह के क्या पेड़ हैं। जैसे कि ये है शीशम का पेड़ वो है नीम का पेड़ और ये है तैतीस का पेड़ और ये है कदम का पेड़ और ये है बम्बूरे का पेड़ और वो है स्कूल की पकड़िया जो बोलते हैं पकड़िया आप लोगों ने खाई होंगी और ये है पेड़ जामुन का जो आप लोग खाते होंगे जामुन का पेड़। कहते हैं कि जब मैं 6 साल का था और तब मैं जो ये शीशम का पेड़ है इधर हम झूलते थे झूला इसकी जो डगारे थी उन्हें लटकते झूलते थे झूले को और तब मुझे चोट लगी थी जो आप ये दाग देख रहे हो वो काफ़ी चोट लगी थी। अब फिलहाल करते हैं रेस्ट ना लेते हैं फटाफट शाम को करेंगे ब्लॉगिंग। अभी कुछ ज़्यादा आपको पेड़ नहीं दिखाएंगे शाम को चलेंगे खेतों के पास तो उधर काफ़ी प्रकार के पेड़ हैं तो उनको करेंगे एक्सप्लोर ढंग से। चलो फिलहाल मिलते हैं आप रेडी नहा धो के अब चलो चलते हैं मैगी लाने के लिए। हमारा हो रहा था मन ये भी नूडल लाएंगे मेरे भाई का भी मन हो रहा था चलो भाई लेके आते हैं फटाफट मैगी। खाने में तो काफ़ी मज़ा आया अच्छी अच्छा फ्लेवर लगा। चलो खाते हैं अपना करते हैं चलो बैंगन की सब्जी और रोटी खाते हैं मस्त। फिलहाल खाना पीना मस्त हो चुका है चलो चलते हैं खेतों के पास उधर करते हैं एक्सप्लोर जितने भी ट्री चलो भाई चलते हैं बाहर। यहाँ बारिश होती है अभी है चारों रंग गीला ही गीला हो गया पूरी सड़क गीली डली हुई है। चलो आपको बारिश वाला सीन दिखाते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं घर से बाहर जो कि हमारे साथ है वीरू भाई आपको दिखाते हैं। तो जैसे कि ये है सहजना का पेड़ एक प्रकार की छियाँ लगती है तो वो अभी लगी नहीं है तो शायद गर्मी टाइम पे लगती है अगर इधर अगर कहीं पड़ी हो रोश तो ये है वो छियाँ देख रहे होंगे आप लोग जूम करते हैं ये है छियाँ वो
हमारा लोगों का सफर अभी जारी है, तो ये यात्रा हमारी लोगों को मंगल हो। तो लाइक सब्सक्राइब जरूर ठोकते रहना, अगर एक बार लाइक हो तो दो बार करो, लेकिन लाइक जरूर करो। तो चलो देखते हैं आगे कौन सा पेड़ मिलता है। तो ये है न्यू पेड़, न्यू वर्जन, बीटा वर्जन। तो ये है अंडुआ का पेड़, जिसमें से निकलता है अंडी का तेल। आपने देखा होगा कहीं सूजन आ जाती है तो अंडी का तेल आपको अवश्य ज़रूरत पड़ती है। और आपको दिखाते हैं ये कड़हल का पेड़, जो पूजा ऊजा में आपने देखा होगा काफ़ी इसके फूल इस्तेमाल किए जाते हैं। चलो बोलते हैं आगे देखते हैं और किस प्रकार की हमारे लिए जो पेड़ है। दोस्तों पीपल का पेड़, जो आपने देखा होगा शहरों में भी, महिला मंडल चारों लंग धागे से इसको चक्कर लगाती हैं। और ये है केले का पेड़, जो आपने अवश्य बनाना खाए होंगे। और ये है दोस्तों अर्जुन का पेड़, जानवर को दिक्कत होती है तब उसके गले में लटका दिया जाता है। अभी फ़िलहाल आपको दिखाएंगे खजूर का पेड़। चलो चलते हैं आगे ये के पेड़ के पास। चलो दोस्तों सबके लिए गुड लक। और दोस्तों पहुँच गए हैं हम खजूर के पेड़ पर, जो कि हमारे सामने काफ़ी सारे खजूर के पेड़ हैं, जो कि ये है दोस्तों। ये काफ़ी दूर तक ये समझ लो इतने बीच में काफ़ी पेड़ है, लगभग 100-200 होंगे। चलो आगे भी दो चार पेड़ मिलते हैं आपको दिखा देते हैं। माई बिलेज स्टूडियो फूल फूल यूट्री को फॉलो हुई। छोटा खजूर का पेड़ है और जब ये बड़ा हो जाता तो इस तरह से इसमें फल भी लगते हैं, अभी ये कच्चे हैं। तो दोस्तों इस तरह से कुछ ये पौधे हैं खजूर के, जो कि हमारे खेतों साइड है। वो देखो भाई किस तरह की खजूर का पेड़ हो गया उधर पे, वो तो एक अलग ही टाइप का लग रहा है। आप समझ रहे होंगे लेकिन हमें कहने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल इस ब्लॉग को करते हैं एंड आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया हो। तो दोस्तों लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस जल्द ही मस्त मस्त ब्लॉग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीरू भाई मेरी ऑडियंस को बोलो बाय बाय, टाटा सी यू, गुड नाइट, लव यू दोस्तों, बाय बाय।